मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडेशन की चर्चा कर रहे थे जेंटलमैन, और हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी और कंप्लीट किया था कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में करते हैं, फर्दर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन का जो मेजर प्रोडक्ट फाइनली होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था जेंटलमैन, तो कीटोन बना था। कीटोन का ऑक्सीडेशन फर्दर एसिड में नहीं होता, टफ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, माइल्ड हो सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में अगर हम ध्यान रखें तो हम SD5 KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, SD5 K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जेंटलमैन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे एल्डिहाइड या कीटोन को डाई कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो सेलेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट केस सीखा था, बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन, जिसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन होता है वो कीटोन को कार्बोक्सिलिक एस्टर में ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इसी सिलसिले में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं आज, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन मतलब जिसमें एक्टिव मिथाइल ग्रुप या एक्टिव मिथाइल ग्रुप होगा, हम उसके ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं जेंटलमैन। और इसके लिए इसी को हम बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब होता है जेंटलमैन फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होना, हेलोफॉर्म जेंटलमैन का फॉर्मूला CHX3 होता है। कहने को ये फॉर्मूले CHF3 हो सकते हैं, CHCl3 हो सकते हैं, CHBr3 हो सकते हैं, और या फिर CHI3 हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जिसे हम बनाते हैं, जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो बनता है मोस्टली वो क्लोरोफॉर्म, और इसको हम बोलते हैं पायरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है, और ये इसे कहते हैं आयरोफॉर्म। इसका जो पीपीटी होता है, क्वेश्चन में कई बार दिया जाता है, तो इसका जो पीपीटी होता है वो येलो पीपीटी होता है, ध्यान रखेंगे आप। तो कई बार क्वेश्चन में इस बात की हिंट की जाती है, तो येलो पीपीटी से आप समझ जाइएगा कि हेलोफॉर्म क्या है। CHI3 है जेंटलमैन। अब इसके लिए रिएजेंट क्या हो सकता है, मैं रिएजेंट लिख रहा हूं। रिएजेंट इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए जो रिएजेंट होगा वो X2+NaOH हो सकता है, X2+NaOH हो सकता है जेंटलमैन। ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहां पर X2+NaOH, तो यहां पर NaOH की कंडीशन में डाइल्यूट आप लेंगे, क्योंकि डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड को अगर लेते हैं तो एक्चुअली में हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं होता।
क्योंकि इसको लेने पे NaXO3 बनने लगता है और जिसकी नीड नहीं है। अगर हम डाइल्यूट लेते हैं तो इसे एक्सेप्ट करते हैं हम, क्योंकि इसे एक्सेप्ट जब हम करते हैं तो NaOH बनता है, जिसको आप बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट। तो कहीं कहीं एग्जाम में ये भी लिखा रहता है और कहीं कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जगह NaOH भी लिखा रहता है। ये तो पूरा एक साथ लिखा रहेगा और ये लिखा रहेगा, तो आप ध्यान रखना कि ये रिजेंट किसके लिए है, हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए ये रिजेंट है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के चलते जेंटलमैन हम CHX3 का फॉर्मेशन करते हैं। CHX3 में जो पॉपुलर फॉर्मेशन है वो क्लोरोफॉर्म का है और आयोडोफॉर्म का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रोमोफॉर्म नहीं बनता, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉपुलर रिएक्शन, कि मोस्टली आपको आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म पे जाके फोकस करना है। अब ये जो रिएक्शन है वो दो मीडियम में होती है। दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन एसिडिक इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम का मतलब जेंटलमैन होगा pH greater than 7। ये जो रिएक्शन है वो कंट्रोल होती है pH greater than 7 पे। बेसिक मीडियम पे जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो बेसिक मीडियम पे रिएक्शन कराने से होता क्या है कि मान लो कि हमने एसीटैल्डिहाइड दिया, तो ये रिएक्शन एक्चुअली में रिवर्सिबल होती है। बेसिक मीडियम मतलब OH-, तो यू कैन सी दैट जेंटलमैन दिस अल्फा कार्बन, तो यहां पे ये अटैक करेगा Cl और यहां पे CH2 Cl CHO बन जाएगा, मोनो क्लोरो एसीटैल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन रुकने वाली नहीं है, ये फिर से इस तरह से हम शो करेंगे तो Cl2CHCHO आ जाएगा, डाइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड, और ये फाइनली क्या हो जाएगा CL3CL आ जाएंगे 3H के साथ। तो दिस वन इज ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड। ये ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड जेंटलमैन बना और जब फर्दर इसको हम QH के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये HCOOK और CHCl3, मतलब आप देख सकते हैं कि एक तो सब कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा और एक बन रहा है क्लोरोफॉर्म। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल जो CHO है वो कन्वर्ट हो रहा है HCOO- में और यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म भी बना रहा है। अगर मैं यहाँ पर आयोडीन लूंगा तो क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन कंटिन्यू रही, आप देख रहे हैं, और फाइनल प्रोडक्ट जाके क्या बना, क्लोरोफॉर्म बना, जिसको हम बोल रहे हैं हेलोफॉर्म। लेकिन एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन के साथ ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कराऊं जेंटलमैन, देखिए
बी पॉइंट इसका क्या होगा कि अगर मैं इसे एसिडिक मीडियम में करूं, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम, तो जब हम इसे एसिडिक मीडियम में कराएंगे पीएच लेस देन 7, तो देखिए क्या होगा कि अगर आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, ये हम एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, आई थिंक इसे हम कीटो फॉर्म बोल सकते हैं, ये एच यहां माइग्रेट अगर करेगा तो मैंने आपको टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बताया जनरल में, तो अगर ये मॉलिक्यूल टॉटोमराइज होगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड COH और ये H बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको हम? इनॉल फॉर्म। अब जब ये इनॉल फॉर्म बना, जब ये इनॉल फॉर्म बना और अगर इस इनॉल फॉर्म पे ये एसिडिक मीडियम है, तो अगर इस इनॉल फॉर्म पे मैं इस तरह से H प्लस का अटैक कराऊं, तो ये OH2 प्लस बन जाएगा सब, और जब इस OH2 प्लस पे ब्रोमीन का अटैक हो तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल की तरह ब्रेक नहीं होगा, ये Br प्लस और Br माइनस की तरह ब्रेक होगा। जब ये Br प्लस और Br माइनस की तरह ब्रेक होगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है कि यहाँ पे Br CH2 COH2 प्लस ये बनने वाला है। अब जब आप यहाँ से H प्लस निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा BrCH2 C डबल बॉन्ड O जब आप यहां से H2O और H प्लस निकाल देंगे तो यहां से क्या बन जाएगा BrCH2CHO बन जाएगा, डबल बॉन्ड फिर से अरेंज हो जाएगा जेंटल में। तो आप देखिए कि सबसे खास बात क्या है कि यहां पर ये जो रिएक्शन है वो यहीं पर आके रुक जाती है, दिस रिएक्शन विल स्टॉप एट मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। ध्यान ये देना कि ये रिएक्शन यहीं पर आके रुक जाती है, उसका कारण जेंटलमैन ये है कि जो हेलोजन एटम है, कारण मैं बता दूं कि जो हेलोजन एटम है एक्स एटम डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ इनॉल, रिएक्टिविटी ऑफ इनॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है
कि भाई हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो आप एसिडिक मीडियम में कराओगे या बेसिक मीडियम में। तो भाई हम तो कहेंगे कि हेलोफॉर्म अगर बनाना है आपको तो प्रेफर कहाँ करना पड़ेगा, आप बेसिक मीडियम में कराएंगे तो हेलोफॉर्म पे जाके रिएक्शन रुकेगी, और अगर एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव पे रिएक्शन जाके रुक जाएगी, ब्रोमीन मोनोब्रोमो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, ये डाई और ट्राई पे नहीं जाएगा। हेलोजन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है तो माइनस आई इफेक्ट के चलते इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और एनॉल की रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के लिए क्या कर देगा, कम कर देगा। क्वेश्चन हमारे दिमाग में था कि भाई हम मिथाइल कीटोन का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन करा रहे हैं, तो कौन से कंपाउंड्स विच कैन अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूं कि जैसे मान चलो फॉर्मेल्डिहाइड लिखा मैंने, बेंजल्डिहाइड लिखा, डाइमिथाइल कीटोन लिखा, CH3CO CH2 CH3 लिखा, CH3CO CH2 इस तरह के मैंने कंपाउंड लिखे, और भी देखे क्या हो सकता है। एल्कोहल के केस में ये मैंने कंपाउंड्स आपको लिखे और मैंने आपको बोला कि विच कैन अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शंस, विच कैन अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन, आपको ये इस बात का ध्यान देना है कि कौन सा कंपाउंड इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन को दे सकता है। तो देखिए कि अगर आप बात करो भाई मिथाइल कीटोन की बात हो रही है तो थर्ड वाला कंपाउंड ये वाली रिएक्शन देगा जिसमें मैं टिक कर रहा हूं, क्या ये देगा, यस, क्योंकि इसमें एएमजी ग्रुप भी प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है, क्या ये देगा, यस, इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है, और इस तरह का एल्कोहल भी देता है क्योंकि इसमें भी एक्टिव ये मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप देख पा रहे हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन जो भी देते हैं उनको मैंने टिक कर दिया है, तो आपको पहचान में आना चाहिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देते हैं। हेलोजन के साथ हम इंटरेस्टेड हैं एल्डिहाइड कीटोन, खासतौर से मिथाइल कीटोन का। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सॉरी सर, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। हेलोजिनेशन रिएक्शन के चलते अगर आप हेलोजिनेशन की बात करें, इसी में सेकेंड आता है हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ
इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन एटम एक्स एक्स मेनली क्या होता है सी एल हो सकता है या बी आर हो सकता है, मेनली तो सी एल ही होता है। कार्बोनिल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो एसपी टू हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन भी एसपी टू हाइब्रिडाइज होता है। एक तरीका ये है कि आप एक तरीका ये है कि आप क्या कर रहे हैं, कार्बन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, दोनों तरीके हैं। और एक तरीका क्या है कि आप जो है हेलोजन को जो एक्स है उसको ऑक्सीजन की जगह डाल रहे हैं, समझो कि एसपी टू मैं लिख रहा हूं एसपी टू ऑक्सीजन एटम, दोनों बातें अलग अलग, एसपी टू ऑक्सीजन एटम गेट हेलोजन गेट रिप्लेस्ड बाई टू हेलोजन एटम, क्योंकि हेलोजन की वैलेंसी शार्प बंद होती है, टू हेलोजन एटम्स लाइक क्लोरीन। एक मुद्दा ये है, आप बात को समझते हैं, हम पहले मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, मतलब कि आपने कार्बोनिल ग्रुप लिया और साहब लिखा हुआ है एग्जाम में आ गया PCl5, तो PCl5 अगर लिखा हुआ आ गया तो इसको टच नहीं करना, इसको टच करना है, मतलब आपको दिख रहे हैं कार्बन क्या हो गया sp3 हो गया, कार्बन क्या था sp2, लेकिन कार्बन पे ऑक्सीजन को हटा के आपने Cl लगाया, मतलब PuCl3 और बने। अगर मैं इसी कार्बोनिल ग्रुप को फिर से लूं, और हेलोजन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है थायरोइड क्लोराइड, फिर से ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा, मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूं और आपको बोलता हूं कि ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक पढ़ते समय सबसे खास बात ये होती है कि कोई भी टॉपिक जो होता है वो सेपरेट नहीं चलता सब, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये खेल बड़ा निराला है, एल्कोहल होता है तो एल्डिहाइड आ ही जाता है, एल्डिहाइड होता है तो एल्कोहल आ ही जाता है, रिजल्ट आ ही जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि PCl5 और SOCl2 अगर आपको ध्यान हो तो ये आ जाते हैं जब हम हेलोजन से, आपने अब सीखा होगा कि अगर हम एल्कोहल से RX बनाने की बात करें, मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों की बात कर रहा हूं, साहब हेलो एल्केन बना रहे हैं तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ हेलो एल्केन का, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, OH को रिप्लेस कर देगा, तो दीज आर गुड सोर्स ऑफ क्लोरीन एटम, ये ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है एक तरह का, लेकिन ये इसे हम हेलोजिनेशन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास जो कार्बन है कार्बोनिल कार्बन है वो भी sp2 है, और कार्बोनिल जो ऑक्सीजन है वो भी sp2 है, अभी हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहे हैं दो हेलोजन एटम से, आप मेरी बात को समझिए, और हेलोजन का जो सोर्स ले रहे हैं पॉपुलर सोर्स है वो PCl5 है या फिर SOCl2 है। PCl5 को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं, दिस वन इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड,
फास्फोरस, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड और दूसरा है थायोनिल क्लोराइड, दूसरा थायोनिल क्लोराइड, दिस वन इज थायोनिल क्लोराइड। दोनों का यूज होता है सब, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो दोनों का यूज होता है। जैसे मान चलो कि क्वेश्चन अगर देखें और आपको दिया जाए CH3CHO और लिख दिया जाए PCl5, तो आप इसे अल्फा कार्बन जो है ना इसको टच नहीं करेंगे सब, इसको ऐसे ही रहने देंगे और C से क्या लगाएंगे, Cl लगाएंगे, इस तरह से ये बन जाएगा सब। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप इसे टच नहीं करेंगे। और भी क्वेश्चन है, जैसे मान चलो कि मैं लिखूं साइक्लोपेंटेनोल लूं और SOCl2 लिखूं, तो आप क्या करोगे कि जो sp2 ऑक्सीजन है ना उसको हटा के 1-1 बना दोगे आप। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि इन दोनों कैटेगरी में आप एक खास बात देख रहे हैं ना कि वी गेट जेम डाइहेड्राइड, हम जेम डाइहेलाइड बना रहे हैं साहब यहां पर, और इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, हैलोजिनेशन। क्या बोल रहे हैं साहब, हैलोजिनेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप हेलोफॉर्म करा रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म बन रहा है ना, आइडोफॉर्म बन रहा है, LOPPT बन रहा है। अब इसी में हमने दूसरा केस ले लिया, इसी में हमने क्या ले लिया, दूसरा केस ले लिया। क्या दूसरा केस ले लिया, देखो कि कार्बोनिल कार्बन है और ये कार्बोनिल कार्बन जो है वो sp2 है और हम हेलोजन ले रहे हैं और हेलोजन के साथ हमने क्या ले रखा है, हमने एसिटिक एसिड ले रखा है। तो अब इस पे छेड़खानी होगी, मतलब यहां पे ये जो है इस तरह से एक्स आ जाएगा किस पर, कार्बन, ऑक्सीजन का आपने कुछ नहीं किया। मतलब आप देखें कि अगर मैं यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड लूं और क्लोरीन की रिएक्शन कराऊं तो यहां पे अल्फा एच नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। मतलब आप वहां तो समझिएगा कि इसमें अल्फा एच एल्डिहाइड और कीटोन मस्ट बी कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा एच, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट वन अल्फा एच। तो साहब ये इस रिएक्शन का थंब रूल है कि एटलीस्ट वन अल्फा एच होगा तो होगा। मतलब कि अगर मैं यहां पे बेंजीन डिहाइड ले लू और इस रिएजेंट को मैं लिखू तो सॉरी बोलना पड़ेगा साहब, कोई रिएक्शन नहीं होगी जेंटल में। लेकिन मैं अगर इसी में एसिटाल्डिहाइड दे दूं, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दिया, इसको 3, तो अगर मैं एसिटाल्डिहाइड की बात करूं तो यहां पे अल्फा एच है साहब, अल्फा एच है और मैंने एसिड ले रखा है तो क्या बन जाएगा, ClCH2 बन जाएगा और CHO ये ऐसे रहेगा। अगर मैं CH3COCH3 ले लूं
और यहाँ पे ऐसे ले लू तो यहाँ पे भी अल्फा एच है, तो ClCH2 CoCH3 आ जाएगा। बात को समझो आप, है ना। ध्यान ये रखना है कि इन एक्सेस ऑफ H2 प्लस SN, अगर हेलोजन और SN की हम एक्सेस को ले देन डाई और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव कैन बी फॉर्म। अगर मैं एसिड को एक साथ हेलोजन को एक्सेस में ले लूं जेंटलमैन, तो डाई और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव भी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हेलोजिनेशन के मैंने आपको दो मुद्दे बताए। एक मुद्दा बताया जब हम PCl5 ले रहे हैं या थायोनिल क्लोराइड ले रहे हैं तो sp2 ऑक्सीजन पे अटैक हो रहा है, दो हेलोजन लग रही है, उसमें दो लगने के कंपलसरी। लेकिन जब हम हेलोजन को NaOH के साथ ले रहे हैं तो NaOH के साथ ले रहे हैं तो हेलो फॉर्म हो रहा है। मतलब आप हेलोजन का रिएक्शन देखिए कि तीन प्रकार के सब रिजेंट मजा आ जाए, मतलब प्रोडक्ट बनाने में तबीयत खुश हो जाए सब, कि आप रिजेंट देखो और खटाक से बता दो कि क्या बनने वाला है और क्या नहीं बनेगा। जैसे मान के चलो कि CH3C OH, पीएच मतलब होता है फिनाइल। मैं मिथाइल फिनाइल कीटोन ले लू, क्या ले लू साहब, मिथाइल फिनाइल कीटोन, और मैं क्लोरीन ले लू और साथ में एसिटिक एसिड ले लू, तो साहब इसका कोई लेना देना नहीं ऑक्सीजन का, इससे क्या बन जाएगा ClCH2 ये बन जाएगा। अगर मैं इस तरह से ले लूं और मैं PCl5 ले लूं सब, तो यहां पे मामला जाके जमेगा और ये ClCl बन जाएगा सब। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर मैं यहां पर ये ले लूं और SOCl2 ले लूं तो फिर ये इसको उड़ा देगा और कार्बन से दो ClGEM डाइहाइड्राइड फिर से बन जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आप रिएक्शन क्या करा, और अगर मैं एसिटैल्डिहाइड ले लूं और लिखा हुआ है Cl2NaOH तो साहब क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। बात को समझो आप, है ना। तो कहीं पर कोई समस्या नहीं है, मतलब मेरे समस्या जैसे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ये दिया गया और मैं ब्रोमीन ले लूं और साथ में एसिटिक एसिड ले लू, यहां तो अल्फा एच वाला कोई चक्कर है नहीं, यहां अल्फा एच है और ये मतलब समझो, तो आप यहां पे ये अटैक हो जाएगा, है ना। तो जब यहां पे ये अटैक हो जाएगा और ये लिखा हुआ है एक्सिस, हम एक्सिस वाला ही प्रोडक्ट बना दें तो सब क्या बन जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा और यहां पे दो BR आ जाएंगे, है ना, दो BR आ जाएंगे। क्वेश्चन एक बार आया था कि क्या ये कार्बन काइरल हो रहा, नहीं सर ये कार्बन काइरल नहीं है, sp3 तो है लेकिन दोनों BR क्या है, सेम है, तो काइरलिटी नहीं है साहब इस मॉलिक्यूल में। तो
अब बड़ी सीधी सी और सरल सी बात है कि हम बातों को ध्यान से समझें, पढ़ें और रिजल्ट को अगर याद रखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपकी पकड़ से बाहर जा सकता है। मान लो ये दिया गया आपको, अब ये देखिए क्लोरीन है और साथ में बेस है, क्लोरीन है साथ में बेस है, तो भाई क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन लिया, साइक्लोहेक्सानोन लिया हमने, मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं, तो आप देख रहे हैं ये एक्टिव मिथाइलीन है, यहां पे भी एक्टिव मिथाइलीन है, यू कैन सी दैट ईएमजी ग्रुप है सब यहां पे। तो मैंने क्या बताया था, सेलेनियम ऑक्साइड में डाइकीटोन बन जाएगा, CH2 किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में, तो इसका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप इस तरह से ध्यान दे सकते हैं, मान लो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH लिया जाए, कई बार मैंने बताया ये सिनामेल्डिहाइड है, और आपने इसमें NaH लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल बना देगा, तो सिनामिल एल्कोहल बन जाएगा। आप बात को समझिए, प्रोटाइल एल्कोहल भी बोलते हैं इसको। तो ये प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं मैं भाई, इसलिए करा रहा हूं कि आपको सारे रिएजेंट याद रहे बार बार। मान चलो कि मैं यहां पे अगेन सिनामेल्डिहाइड लू, और मैं लिख दू सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहां पे भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा और ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। मान चलो कि मैं CH3 क्रोटोन एल्डिहाइड है, सॉरी सर ये C6H5 नहीं लगा है, क्रोटोन एल्डिहाइड, तो इसलिए ये क्रोटाइल एल्कोहल। मैं यहां पे C6H5 लू, CH डबल बॉन्ड CH2 और NaH लिख दू, तो ये डबल बॉन्ड फिर से एसिड, ये है सिनामेल्डिहाइड, तो ये C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल। मान लो कि मैं यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO2 जिसको क्रोटोन एल्डिहाइड बोल रहे हैं, और मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मैंने करा दू, तो मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड और ये दोनों उड़ा दी, तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल बन गया, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, वो क्रोटाइल एल्कोहल था, मतलब क्रोटाइल एल्कोहल बनाना है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड लो या NaH लो, लेकिन अगर आपको नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल बनाना है तो आप क्या करो, आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रिएजेंट याद है, और रिएजेंट की कहानी इतनी तगड़ी होती है कि अगर आपको रिएजेंट याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराई। हम लोगों ने रिडक्शन कर लिया, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कर लिया, और हेलोजन से रिलेटेड 3 रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, एक तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हुई,
एक हेलोजिनेशन हुआ जिसमें हम BCl5 या SOCl2 ले रहे हैं, एक हेलोजिनेशन हुआ जिसमें हम हेलोजन में एसिड ले रहे हैं। तो तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट है, आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, चीजें बहुत आसान है, इंटरकनेक्ट है। एल्कोहल आ रहा है, एल्डिहाइड से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, वही सब बन रहे हैं घूम फिर के। डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है, डबल बॉन्ड नहीं हो रहा है कई जगह दोनों हो रहे हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, आप अच्छा करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन चैप्टर को डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा हमेशा। शॉर्टकट मत जाइएगा, शॉर्टकट नहीं होता कुछ भी। आप चीजों को डिटेल में पढ़ें, हर एक लेक्चर के नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो परेशानी है ऑर्गेनिक को लेकर के, जो क्वेश्चंस है वो जरूर सॉल्व होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और आगे की तैयारी कंटिन्यू रखें। अगले लेक्चर में हम और भी रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।